दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे रेगुला फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड की हेल्प से किसी इक्वेशन के रूट को कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो मान लीजिए, सबसे पहले इस मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और हमें इस इक्वेशन का रेगुला फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड की हेल्प से रूट फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें ए और बी दो नंबर्स इस तरह से चूज करने हैं कि ए पर हमारे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज एफ ए मस्ट बी नेगेटिव, एंड बी पर हमारे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें ये चेक करना है कि वेदर एफ ए डॉट जिसके बीच हम अपना रूट निकाल रहे हैं डॉट एफ बी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एफ ए और बी के बीच हमारा रूट लाई करता है, तो देयर प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन जीरो। फंक्शन एट ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी मस्ट बी लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पे, एंड आवर थर्ड पॉइंट विल बी फॉल्स पोजीशन फार्मूला या रेगुला फाल्सी। जो फार्मूला है वो क्या है, ये है हमारा एक्स आई इक्वल टू ए एफ एट बी माइनस बी डॉट ए, यानी फंक्शन एट ए एंड एफ बी माइनस एफ ए, करेक्ट है। अब ये यहाँ से सेम प्रोसीजर को वापस से फॉलो करना है, कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन चेक करने के बाद सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यही क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1, और मुझे इसका रूट फाइंड आउट करना है, और इसके लिए मुझे 2 इटरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो मैं कैसे करूँगा इसको, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा कह रहा है फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 नियर एक्स इक्वल टू 1 यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ठीक है। मुझे अपना रूट फाइंड आउट करना है और एक्स इक्वल टू 1 इसके नियर मेरा रूट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज 1 रेज टू पावर 3 1 माइनस 1 दैट इज 1, ओके। अब इसके बाद हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 माइनस 1, क्लियर है। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 एंड 2 10 10 में से 1 गया तो 9, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा क्लोज वैल्यू चेक करते हैं, 0.5 चेक कर लेते हैं। 0.5 पे जब हम इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, इसको जब आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.375, ठीक है, माइनस 0.375 ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब आपको चेक करना है, देखिए आपका 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और 0.5 पे आपका वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है, सेकंड पॉइंट जो हमारा था, सेकंड स्टेप हमें ये फॉलो करना है कि हमें ये चेक करना है कि एफ ए एंड एफ एट 0.5, दैट इज एफ एट 1 एंड एफ एट 0.5 शुड बी लेस देन 0। तो ये तो क्लियर है, माइनस टाइम्स 0.375 मल्टीप्लाई 1 इज लेस देन 1। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ आर नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ हमारा जो फर्स्ट रूट हमें मिलेगा अब यहाँ से वो क्या होगा, ए एफ बी, यानी कि ए क्या था हमारा, ए को हमने माना 1 और बी को हमने माना 0.5, ठीक है ना। ए पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव और बी पे हमारा वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हम इसको पहले नेगेटिव लेंगे,
इसे आप ए मान लीजिए और इसे आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा ए का जो वैल्यू है वो है 0.5 मल्टीप्लाई फंक्शन एट बी। तो फंक्शन का 1 पे हमारा वैल्यू है, यहाँ से देखेंगे आप, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई दैट इज बी मल्टीप्लाई फंक्शन वैल्यू एट ए, दैट इज फंक्शन का वैल्यू 0.5 पे क्या आ रहा है दोस्तों हमारे पास, माइनस 0.375, ठीक है, ओवर एफ ए, यानी कि फंक्शन का 0.5 पे वैल्यू माइनस करना है फंक्शन का वैल्यू एट जीरो सॉरी 1 पे, तो क्या हो जाएगा एफ 1 माइनस एफ 0.5। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, फंक्शन का 1 पे वैल्यू 1 ही था एंड फंक्शन का 0.5 पे वैल्यू था 0.375 माइनस टाइम्स, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट आपका वो होगा 0.6364, ठीक है। अब आप फिर से रिपीट करेंगे यही सारे स्टेप्स और फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले x1 पे। तो फंक्शन का वैल्यू x1 पे क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स वन दैट इज एफ 0.6364 विल बी इक्वल टू 0.6364 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0.6364 माइनस 1। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा आपके पास वो होगा माइनस टाइम्स 0.1059, ठीक है दोस्तों। अभी आप फिर से चेक करेंगे कि जो आपका एफ एक्स वन पे वैल्यू है डॉट एफ वन पे वैल्यू है शुड बी लेस देन ज़ीरो, तो यस, बिकॉज अगर आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो ये ठीक है। हम अब फिर से वापस वही स्टेप फॉलो करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x2 विल बी 0. दैट इज अब हमारा a क्या हो गया, ये हमारा a है दोस्तों, a हो गया हमारा माइनस टाइम्स 0.1 तो हमारा a क्या हो जाएगा 0.6364 मल्टीप्लाई फंक्शंस वैल्यू एट b दैट इज 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई फंक्शन का वैल्यू एट a दैट इज इस पे फंक्शन का वैल्यू हमें पता है माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए सेम पे 1059 ओवर फंक्शंस वैल्यू एट b दैट इज 1 माइनस फंक्शंस वैल्यू एट 0.6364 दैट इज माइनस 0.1059, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा 6.712, ये आपका सेकंड रूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक और हम इस पर चेक करेंगे एक बार और इसको, तो फंक्शन का वैल्यू हम x2 पे चेक करेंगे एंड फंक्शंस वैल्यू एट x2 दैट इज 0.6712 रेज टू पावर 3 प्लस 0.6712 माइनस 1, ये वैल्यू आपको जो मिलेगा दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका माइनस 0.0264 एंड आप लोग जानते हैं कि फंक्शन एट 1 आपका जो वैल्यू था यहाँ पे वो 1 ही था, ठीक है। फिर से आप चेक करेंगे दैट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एट x2 एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एट 1 क्या था, शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, तो यस इट इज़ लेस देन 0। तो अभी हम फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो रूट होगा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो क्या होगा, अभी हमारा यहाँ से a का वैल्यू हमारा ये है दोस्तों, अब a इक्वल टू हमारे पास में सॉरी मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ हिसाब से ताकि ठीक से समझ में आए, 0.6712 ये हमारा इस स्टेप से वैल्यू हमें मिल गया a का। तो अभी हमारा जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या होगा, 0.6712 मल्टीप्लाई फंक्शन एट 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई फंक्शन एट 0.6712,
ठीक है ना दोस्तों, अपॉन फंक्शन एट 1 माइनस फंक्शन एट 0.6712। इनके वैल्यू रखेंगे तो 0.6712 मल्टीप्लाई फंक्शन का 1 पे वैल्यू 1 ही था, 1 मल्टीप्लाई फंक्शन का 0.6712 पे जो वैल्यू था वो था माइनस टाइम्स 0.0264। तो माइनस को मैं मैनेज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसे, तो 1 माइनस और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 0.0264। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आपको मिलेगा 0.6797। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिर्फ दो ही स्टेप्स को परफॉर्म करना है। और देखिए, आपको वैसे भी आपका जो आंसर है यहाँ पे टू डिजिट्स तक आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। देखिए, दो डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, फर्दर अगर आप जाएंगे तो आपके डिजिट्स का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपको 3 डिजिट्स तक चाहिए तो आपको और स्टेप्स फॉलो करने होंगे ठीक इसी क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से आप रेगुला फाल्सी या फाल्स पोजिशन मेथड को यूज़ करके किसी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।